हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि पेगासस सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर क्या है। पेगासस सबसे पहले जानते हैं कि वायरस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाने के बाद क्या क्या कर सकता है। आप सबसे पहले भाई आपके प्रोग्राम को डैमेज कर सकता है, फाइलों को डिलीट कर सकता है, आपकी हार्ड ड्राइव को रीफॉर्मेट भी कर सकता है, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो कर सकता है, आपके पासवर्ड और डाटा को नष्ट या चुरा भी सकता है। इस सॉफ्टवेयर को 2010 में डेवलप किया गया था और यह इजरायली साइबर आर्म फर्म एनएसओ ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया था और यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब एप्पल फोन में भी इंस्टॉल्ड हो सकता है, साथ ही साथ एंड्रॉइड डिवाइस में भी इंस्टॉल्ड होता है। और यह अटैक, इसका अटैक करने का मोड अलग अलग होता है, आईओएस में भी अलग होता है और एंड्रॉइड डिवाइस में अलग होता है। कभी कभी यह पुश नोटिफिकेशन के द्वारा भी एंटर्ड हो जाता है। इसका यह फायदा उठाता है एप्स, फोटोज एप्स, म्यूजिक एप्स, आई मैसेज ऐप में जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जो ब्लंडर्स, जो खामियां, जो कमियां और जो चूके हो जाती हैं ऐप बनाते समय, उसका यह फायदा उठाता है। कभी कभी आपके फोन में मैसेज भी आ सकते हैं और फोन कॉल भी आ सकती। फोन कॉल कटने के बाद यह मालवेयर और यह स्पाईवेयर एंटर भी कर सकता है और यह एंटर करने के बाद आपके कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स, मैसेजेस, फोटोज, वेब हिस्ट्री को भी जुटा सकता है और नष्ट कर सकता है। आपके जीमेल, आई मैसेज, फेसबुक और व्हाट्सएप, टेलीग्राम से भी यह डाटा ले सकता है। यह खुद को फोन में छुपाने में सक्षम है और जहां तक पॉसिबल हो सके यह करता है। यह खुद को नष्ट भी कर सकता है किसी भी डाटा को डिलीट करने के लिए या एविडेंस को डिलीट करने के लिए। अगर यह कंट्रोलर या हैकर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो भी यह अपने आप को नष्ट कर लेता है। अगर यह किसी गलत डिवाइस में पहुंच जाता है, मतलब अनचाहे डिवाइस में पहुंच जाता है, तो यह खुद को नष्ट कर लेता है। थैंक यू। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऐसे ही जीके की वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।